हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की रूपरेखा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का टॉपिक होगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की रूपरेखा, किस प्रकार से लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन की रूपरेखा के 3 बिंदु हैं। नंबर 1, निषेचन पूर्व। संरचनाएं वे घटनाएं कि निषेचन से पहले कौन कौन सी संरचनाएं होंगी तथा कौन सी घटनाएं होंगी। नंबर 2, निषेचन नंबर 3, निषेचन पश्चात। तो सबसे पहले हम निषेचन पूर्व घटनाओं की बात करेंगे, जिसमें निषेचन पूर्व संरचनाएं घटनाएं हैं। इसकी केवल रूपरेखा देखेंगे सबसे पहले कि पुष्प का नर जननांग होता है, पुंकेसर होता है। पुंकेसर में पराग कोष पाए जाते हैं, जिसका अध्ययन करेंगे। पराग कोष में लघु बीजाणुधानी लघु बीजाणु जनन होगा। लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु या पराकण, जिससे बनेगा नर युगम कौद्भिद। नर युगम कौद्भिद अर्थात जिसमें बनेंगे नर युगमक, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। पुंकेसर होगा निषेचन, जो पहले घटना होगी उसमें हम अध्ययन करेंगे। पुंकेसर की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुंकेसर में पराग कोष पाए जाते हैं, पराग कोष में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिसमें लघु बीजाणु जनन होगा और लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु परागण बनेंगे और उसी परागण से क्या बनेंगे, नर युगम कौद्भिद का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसमें नर युग्मक बनेंगे और यही नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेंगे। उसके बाद में मादा जननांग की बात करेंगे कि जायांग होता है, स्त्री केसर बोलेंगे। स्त्री केसर जिसमें होता है अंडाशय, अंडाशय में पाए जाते हैं बीजाणु, या जिसे कहा जाता है भू बीजाणुधानी, और इसी भू बीजाणुधानी में होगा भू बीजाणु जनन। जिसमें बनेंगे भू बीजाणु से बनेगा मादा एवं गोदभिद, यानी भ्रूकोश का क्या होगा, निर्माण होगा। ये मादा एवं गोदभिद है। इसके बाद में
परागण क्रिया होगी। परागण क्रिया में परागण होंगे जो वर्ती कारक पर स्थानांतरित होंगे, यानी परागण क्रिया क्या है, परागकणों का वर्ती कारक पर स्थानांतरित होना। दूसरी घटना होगी निषेचन होगा। निषेचन के बाद में युग्मज का निर्माण होगा। युग्मज यानी जायगोट बनेगा तथा भ्रूणकोष का निर्माण होगा। तो ये निषेचन की घटनाएं हैं। तो निषेचन में जायगोट बनेगा और भ्रूणकोष का क्या होगा, निर्माण होगा। नंबर तीसरी घटना है निषेचन पश्चात। निषेचन जो पश्चात जो घटनाएं हुई, निषेचन पश्चात जो घटनाएं हुई, भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का विकास, भ्रूणकोष का विकास होगा। भ्रूणकोष का विकास होगा बीज बनेगा तथा इसी के अंदर असंजनन या बहुपुंडता का अध्ययन भी करेंगे। तो ये तीन बिंदु हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन, निषेचन पश्चात घटनाएं, जिसका इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले निषेचन पूर्व जो घटनाएं हैं उसकी बात करेंगे, यानी पुंकेसर की। पुंकेसर क्या है, अर्थात यह पुष्पा नर जननांग है। जैसे ये पुंकेसर की संरचना है और इसकी संरचना में तीन भाग होते हैं। नंबर एक परागकोष, ये परागकोष है, ये परागकोष है, एंथर बोलते हैं, ये योजी हैं और ये है उतलतु। पुष्पी पादपों के अंदर परागकोष एक द्विपालित अवस्था में पाया जाता है, दो पाली हैं और ये दोनों पालियां होती हैं जो एक संयोजी ऊतक से आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणु धानी और इसी के अंदर परागकणों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी प्रत्येक पाली में दो कोष पाए जाते हैं जिन्हें लघु बीजाणुधानी या परागकुट बोलते हैं। परागकुट हमारे परागकुटी यही परागकणों से भरी होती है। तो एक पराग पाली में दो लघु बीजाणुधानी होती है, अर्थात एक परागकोष में इनकी संख्या कितनी होगी, चार होगी। ध्यान रहे कि एक परागकोष में लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी होती है, चार। लेकिन ध्यान रहे मालवेसी कुल, मालवेसी कुल जिसमें कपास भिंडी आती है, उसका परागकोष होता है जो एक पालित होता है जिसमें लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी पाई जाती है, दो। बाकी सभी के अंदर परागकोष की संरचना में चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, इसे परागकुटी बोलते हैं या परागकुट बोलते हैं और यही परागकणों से भरी होती है। इसमें परागकण या जिसे लघु बीजाणु बोलेंगे, जिसका अध्ययन आगे करेंगे, तो इन्हें परागकुट बोलते हैं। एक परागकोष में इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, चार, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे कि लघु बीजाणुधानी क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, यह हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।